हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त होम डिलीवरी बॉय 777 और मैं आज आपको एक्सचेंज मोबाइल की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, नहीं तो आपको लग सकता है 400 से 500 का चूना। ये क्या बात करता है यार। ये देख सकते हैं, आज हमारे पास एक तो एक्सचेंज मोबाइल आया है। तो ये एक्सचेंज मोबाइल है, इसी मोबाइल जो है सो आज एक्सचेंज करना है। सबसे पहले जो कस्टमर का ओल्ड फ़ोन रहेगा उसको हम लोग चारों तरफ से चेक करेंगे, कहीं डैमेज वगैरह ना हो। और उसको देखने के बाद अपने डिलीवरी ऐप में गए और देख सकते हैं आज पेरेक्सो, हाँ ये एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है साजिद अंसारी करके, गोकुल स्वीट जयनगर, और इन्होंने इसका एक पेरेक्सो है जो अभी कर रहे थे। और पेरेक्सो ये रहा, पेरेक्सो मुक सकते हैं। तो अब हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे साजिद अंसारी क्लिक कर। अब सबसे पहले यहाँ पे पुराने मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए देता है, तो वेरीफाई में जाए और सबसे पहले क्या पूछा कि व्हाट इज़ द ब्रांड ऑफ नेम। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वीवो का फ़ोन है, तो हम लोग यहाँ वीवो टच करेंगे, वीवो सेलेक्ट कर और कैप्चर ब्रांड इमेज। तो हम लोग यहाँ पे नीचे पूछ रहे ब्रांड इमेज, और यहाँ पे तो हम लोग फिर पुराने मोबाइल में जाएंगे। सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे और इसका ब्रांड निकालेंगे, सेटिंग अबाउट फ़ोन जहाँ होता है नीचे, हाँ अबाउट फ़ोन आया। अब यहाँ से पता चल रहा है कि ये वीवो का फ़ोन है। इस ब्रांड को हम लोग को इस बायोडेप के कैमरे के द्वारा फ़ोटो खींचना होता है। देखिए यहाँ पे फ़ोटो खींचा जा रहा है इस ब्रांड का, कैप्चर करें ब्रांड इमेज। और यहाँ पे ब्रांड इमेज रखें, हाँ ब्रांड इमेज लेने के बाद कंटिन्यू आगे करेंगे। और उसके बाद पूछ रहा है कि द फोन स्विचिंग ऑन, क्या फ़ोन स्विच ऑन है या स्विच ऑन है ना, तो फ़ोन तो स्विच ऑन है इसलिए हम लोग इसको करेंगे पास और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है इज़ द बैटरी स्लो वन, पूछ रहा है बैटरी स्लो वन, क्या बैटरी जो है बैटरी स्लो वन, पूछ रहा है कि पुराना मोबाइल जो है उसका बैटरी कहीं थोड़ा फूला नहीं है, मतलब वो जो अक्सर बैटरी फूल जाया करता है वो फूला ना हो। तो हम लोग इसको कर देंगे पास कि बैटरी नहीं फूला हुआ है, हम लोग पास करेंगे। और फिर एक फ़ोटो क्लिक करेंगे यहाँ पे नॉल, कोई भी फ़ोटो अपने मोबाइल का, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर अपने बायोड ऐप में कंटिन्यू करेंगे। फिर से पूछ रहा है इंटर द कंप्लीट ईएमआई नंबर, तो कंप्लीट ईएमआई पुराने मोबाइल में अगर ईएमआई नंबर निकालना हो तो डायल पैड में जाके सबसे स्टार हच 06 हच डायल करें, इस तरह से आपके मोबाइल का ईएमआई नंबर शो कर देगा। अब हम स्कैन कर लेंगे, ऊपर लो यहाँ, हाँ तो देखिए ईएमआई नंबर हमारे बायोडेप ने कैच कर लिया। अब उसको डन करेंगे, हाँ इंसर्ट बार कोड डन करेंगे। और अब एक फ़ोटो लेंगे, ये पूरे इसका फ़ोटो ले और इसका फ़ोटो लेंगे पूरे ईएमआई नंबर का सारे सहित, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद इसको वैलिड करेंगे कि ये ईएमआई नंबर सही है या ना, इसलिए वैलिड का ऑप्शन है वहाँ वैलिड दबाए, हाँ वैलिड को दबाए। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया कि ऑल द वैलिडेशन सक्सेसफुल द कंटिन्यू प्रोसेस्ड, ईएमआई नंबर मतलब सही है, मोबाइल ठीक है। अब फिर से बायोडेप में कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करेंगे आगे। और अब पूछ रहा है कि जो हम लोगों ने ऐप डाउनलोड किया पुराने मोबाइल में उसका डायग्नोसिस हुआ है या नहीं। उसके बाद हम लोग क्रोम में जाएंगे और क्रोम के सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यंत्रा डायग्नोसिस ऐप, और ये देखिए तीसरे नंबर पे यंत्रा डायग्नोसिस ऐप आ गया और उसको हम लोग करेंगे, ये देखिए फ्लिपकार्ट रेस्ट डायग्नोसिस ऐप, और उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दो ऑप्शन आता है एंड्रॉयड के लिए अलग और से आईफोन्स के लिए अलग, तो हम लोग एंड्रॉयड वाला डाउनलोड करेंगे। और ये थोड़ा
मोबाइल को चेकिंग करता है, इसलिए थोड़ा हार्मफुल होता है ये ऐप। फिर भी इसको डाउनलोड करके हम लोग इस मोबाइल को पूरी तरह से डायग्नोसिस करेंगे। और ऊपर में देखिए आप लोगों ने डाउनलोड का ऑप्शन फुल हो गया और ओपन का ऑप्शन आया। हम लोग इसको ओपन करके सेटिंग से इसका सारी परमिशंस को और ऑन करेंगे और उसके बाद इस ऐप को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ डन करेंगे और पूरी तरह से ये देखिए ऐप खुल गया। इस तरह का इंटरफेस है यहाँ और पे देख रहे हैं ये ऐप जो है ऑलरेडी बता दिया कि वीवो Y22 है, 4464 है ये मोबाइल। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग डायग्नोसिस। और स्टार्ट डायग्नोसिस करने के बाद सबसे पहले परमिशन अलाउ करेंगे, बीच में परमिशन, सारे परमिशन को अलाउ करेंगे अलाउ दिस टाइम, हां सब बीच में सब पर। हां और यहां सारा परमिशन लेने के बाद सबसे पहले ऑप्शन आया कि इस मोबाइल का जो EMI नंबर है यहाँ पे एंटर करें। और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आया तो हम लोगों ने पहले कॉपी कर रखा था। और ये देखिए EMI नंबर डालने के बाद ये वैलिड करता है कि EMI नंबर सही है या नहीं है। देखिए मैंने पूरा डिटेल्स ये दिखा दिया कि यह मोबाइल वीवो का है, मॉडल Y22 है, रैम 4 GB है और रोम 64 GB है और इसका EMI नंबर है। उसके बाद कंटिन्यू आएंगे। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन आएगा हमें स्क्रीन डिक्लेरेशन का, तो इस स्क्रीन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये कलर चेक हो रहा है, ओके कर दिखाएंगे, पहले रेड कलर ठीक है, फिर क्लिक करेंगे दोबारा ये ग्रीन कलर, सारे कलर चेक होते हैं मोबाइल के। अब यहाँ पे पास का ऑप्शन आया तो अगर सही है तो पास करेंगे। और दूसरा ऑप्शन जाएंगे टच वर्किंग में। अब टच हमारा जो ये सबसे अहम होता है कि ये जो घर है सारे घर भरने चाहिए, नहीं तो ये ऐप फेल कर देता है कि आपका टच काम नहीं कर रहा है। ये पूरा फिलअप होना चाहिए, ये जो घर दिख रहे हैं छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के, ये पूरा फिलअप होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी छूटता है तो ये फेल कर देगा, ये कहेगा आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा अलाउ कर। उसके बाद देखिए ये चेक कर ले रहा है खुद से कैमरा, देखिए बैक कैमरा फ्रंट कैमरा सब चेक कर रहा है खुद से, ऐप चेक कर रहा है। और चेक करने के बाद ये देखिए ऑल यहाँ पे लिख दिया इस ऐप ने, ऑल टेस्टेड कंप्लीटेड, वाईफाई उसने पास कर दिया, वाईफाई ठीक है, ब्लूटूथ ठीक है, GPS ठीक है, फेस ID भी ले रहा है, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा सारे ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सारा कुछ ग्रीन में आ गया। अगर यहाँ कुछ भी रेड कलर का आता है मतलब उसने वो फेल कर दिया है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आपके बायोड, हमारे बायोड ऐप में कर रखा था तो यहाँ चेक स्टेटस में डालेंगे तो ऑलरेडी ये कंप्लीट कर देगा। चेक स्टेटस वो चेक कर ले, देखिए लिख दिया ना डायग्नोसिस सक्सेसफुल, टैप ऑन कंटिन्यू प्रोसेस्ड। तो उसके बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे की ओर। अब यहाँ से बहुत सारे सवाल, ये पूछ रहा है पैटर्न फोन लॉक रिमूव्ड, और उस मोबाइल का पैटर्न पूछ रहा है कि उसमें लॉक है या नहीं है, उसको हटा देना, फिर पास करें और फिर से कंटिन्यू करें कि मैंने उसका पैटर्न वगैरह हटा दिया है। उसके बाद डिक्लेरेशन, स्क्रीन पे कोई स्क्रैच वगैरह डिक्लेरेशन वगैरह नहीं है तो पास करें, अगर ना नहीं होता है तो हम लोग पास करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद पूछ रहा है कि स्क्रीन एयर बबल्स डस्ट पार्टिकल्स क्या कैमरा वगैरह ये सारे पूछ रहे हैं कहीं पे बबल्स वगैरह ना हो। तो अक्सर देखते हैं कि हमारे जो पुराने मोबाइल्स होते हैं उसके जो स्क्रीन पे होते थोड़े बबल्स वगैरह हो जाते हैं, यहाँ कैमरा में गंदगी भर जाती है और इधर में भी, तो इसमें तो कुछ नहीं है तो इसको हम लोग करेंगे पास। पास करेंगे कंटिन्यू, पास करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि द बॉडी बेंड एंड डिसेप, मतलब ये बॉडी जो पुराना मोबाइल है वो उसका बॉडी कहीं टेढ़ा वगैरह है क्या, तो टेढ़ा वगैरह तो नहीं है। और उसको किसी टेबल वगैरह पर रख के भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो टेढ़ा है, तो ये मोबाइल तो कहीं टेढ़ा नहीं है, इसलिए फिर से हम लोग इसको करेंगे पास कि इसमें कोई डेंट वगैरह नहीं है। और फिर पूछ रहा है क्रैक ऑन स्क्रीन, कहीं स्क्रीन वगैरह फूटा वगैरह तो नहीं है, तो ये रहा मोबाइल, इसमें तो स्क्रीन फूटा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग पास करेंगे। अगर स्क्रीन फूटा रहा तो इसको हम लोग फेल कर देंगे यहाँ से। और फिर कंटिन्यू करने के बाद दूसरा ऑप्शन आया स्क्रीन कमिंग आउट ऑफ बॉडी कमिंग आउट, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे क्या होता है कि पुराने मोबाइल का जो स्क्रीन होता है यहाँ से बाहर आ रहा होता है, किनारे किनारे से देख रहे होंगे कि उसका स्क्रीन जो है सो बाहर आ रहा होता है, लेकिन इस मोबाइल में ऐसा नहीं है
तो इसको हम लोग यहाँ से पास करेंगे कि स्क्रीन में कोई कमिंग आउट नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है क्रैक ऑन बॉडी, तो हम लोगों ने देख चुका था पहले ही कि इस मोबाइल में कहीं भी कोई भी क्रैक बॉडी नहीं है बॉडी में, तो इसको करेंगे पास। और पास करने के बाद क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन जो है बोल रहा है कि अटैच बैक पैनल फ़ोटो, तो सबसे पहले हम लोग इसका फ़ोटो लेंगे बैक पैनल का अपने बायोड ऐप में। और यहाँ पे बायोड ऐप में फ़ोटो लेने के बाद अब दूसरा ऑप्शन क्या रहा है कि अटैच फ्रंट इमेज, फ्रंट पैनल इमेज, तो करेंगे और फिर से फ्रंट का फ़ोटो खींचेंगे और ये उसको सबमिट करने के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। नीचे रख दिया, फिर से कंटिन्यू करेंगे और फिर पूछ रहा है बॉडी पार्ट्स वगैरह मिसिंग, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पुराने मोबाइल में क्या होता है कि सिम इंजेक्टर वगैरह बॉडी पार्ट्स वगैरह मिस रहते हैं, लेकिन इस मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग कुछ मिसिंग वगैरह हो कुछ वगैरह तो सिम इंजेक्टर वगैरह तो नहीं है, तो इसको हम लोग पास करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट में पूछ रहा है स्क्रैच माइनर डैमेज कुछ भी हल्का सा भी निशान वगैरह हो, तो ऐसा तो नहीं है, तो इसको हम लोग पास करेंगे। और यहाँ फिर कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू करते जाएंगे, डेंट ऑन बॉडी नहीं है, पास। हाँ पास कीजिए। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आया, यहीं पे मेन ऑप्शन है क्या है, यहाँ पे बॉक्स एंड चार्जर प्रेजेंट, अगर आपके पास है बॉक्स और चार्जर तो ये डिलीवरी बॉय को दे ही दें और ज़्यादा अच्छा रहा, और नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इसको फेल कर देंगे। तो ये पुराने मोबाइल के साथ हम लोगों को ब्रांड बॉक्स और चार्जर नहीं मिला है इसलिए इसको फेल करेंगे। और यहाँ पे फिर एक इमेज बोल रहा है, यहाँ पे पास करने के बाद इमेज आता है कि उस ब्रांड बॉक्स और चार्जर का फ़ोटो कलेक्ट करें, लेकिन हमारे पास नहीं है इसलिए इसको कैमरा ऑन करके कोई भी एक ब्लैक फ़ोटो अटैच कर देंगे उसके साथ। हाँ फिर ब्लैक फ़ोटो अटैच करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके बाद हम लोगों ने लगभग 13 से 14 क्राइटेरिया जो है हम लोग एक करके सारे जो हैं पास किए हमने, और एक ठो जो फेल हुआ है वो है ब्रांड बॉक्स एंड चार्जर की, इसमें नहीं है। अक्सर यहीं पे हो जाता है कि ब्रांड बॉक्स और चार्जर ना होने पे यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, बट ऐसा कोई भी नहीं है, फ्लिपकार्ट आपका कोई भी चार्ज नहीं करता है अगर ब्रांड बॉक्स और चार्जर ना हो। और यहाँ पे देखिए वो जो ऐप हम लोगों ने डाउनलोड किया था उस ऐप से पास किया हुआ जो सारे हैं वो देख रहे हैं यहाँ पे पास किया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद क्या कहता है, वी कैन नॉट एडिट योर आंसर, आप इसके बाद इसका कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं इन द स्टेप। फिर कंफर्म हमने जो किया सो ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म करने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा बायोड ऐप में, और उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा सेंड कॉन्सेंट फ्रॉम कॉन्सेंट, और इस कॉन्सेंट को दबाने के बाद जो कस्टमर है वो देखिए कंटेंट सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पे एक लिंक जाएगा जो कि कस्टमर को जाता है और उसको वो कंप्लीट करना होता है। मैं उसको भी दिखाता हूँ, जो कंसर्न होता है वो कस्टमर को इस तरह से जाता है यहाँ पे कि देखिए आपके डिलीवरी बॉय ने ये सब सारे चीज़ फेल किए हैं पास किए हैं, इस तरह से जाता है और उस कंसर्न को कस्टमर को पास करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन आता है कंफर्म का, उसको कंफर्म करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे पूछ रहा है कि लास्ट का 6 डिजिट नंबर, लास्ट का 4 डिजिट कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे चाहिए, नंबर डालना होता है 2534 लास्ट का 2534, और यहाँ सक्सेस करने के बाद इस तरह से ये एक्सचेंज योर डिवाइस हैज़ बीन कन्फर्म्ड, इस तरह का इंटरफेस आता है। अब हम ले चलते हैं आपको अपने बायोड ऐप, ये इस तरह रहता है, तो हम लोग वेरीफाई हम लोग उसको कन्फर्म करते हैं वेरीफाई रिस्पॉन्स, तो बायोड ऐप ने कन्फर्म कर लिया है कि हाँ कस्टमर ने कन्फर्म कर दिया, अब आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग इसको। और यहाँ पे फिर आता है पिकअप एक्सचेंज एंड कलेक्ट, मोबाइल लें या फिर उसका पैसा लें, तो यहाँ हम लोग पिकअप करेंगे।
पिकअप करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये होता है, और कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हो गया और अब हम लोग स्कैन करके मोबाइल और फिर पुराना मोबाइल लेके नए मोबाइल कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। और ये वीडियो था मोबाइल एक्सचेंज प्रोसेस की पूरी जानकारी, और हमारे इस चैनल को पूरा सपोर्ट करें ताकि इस तरह का और भी वीडियो मैं आपको दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।